हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज मैं फिर से एक 3BHK का प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बरियातू का है, जहां पे आप देखे होंगे राधा कृष्ण अपार्टमेंट मिलिट्री कैंप के पास, वहीं का अपार्टमेंट है जहां पे हम लोग एक 3BHK इंटीरियर कर रहे हैं। इसमें काफी सारे चेंजेस हम लोगों के हुए हैं। किचन जो है वो भी ओपन किचन हुआ है और काफी बड़ा सा हॉल है जिसको भी हमने बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, क्योंकि अभी यहाँ पे डिजाइन तैयार हो गया है। ये पार्ट वन वीडियो है जहाँ पे मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का एक डिजाइन दिखाऊंगा, और इसके बाद पार्ट टू वीडियो जहाँ पे हम लोग कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट दिखाएंगे आपको। बीच बीच में जो भी वहाँ पे अपडेट्स हम लोग का होगा, जैसे भी काम होगा, वो आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ, या फिर मेरा जो नीचे दिया गया फोन नंबर है उसे भी आप व्हाट्सएप पे ऐड करिए तो आपको स्टेटस दिखता रहेगा। अगर आप कोई रांची से है और हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो भी देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो साइट पे आ सकते हैं, बिल्कुल मुझे कॉल करके, और आप हमारा प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ और मैं दिखलाता हूँ कैसे हमने कंप्लीट 3BHK को डिजाइन किया है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे अपने लिविंग रूम के एरिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो वॉल ए है उसमें हमें एक टीवी यूनिट देना है, और जो लिविंग रूम रहेगा उसमें हमें एक 3+2+2 सोफ़ा यूनिट भी देना है। और जैसा कि आप इस वॉल डी को देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक एक्वेरियम और साथ में कुछ स्टोरेजेस देने हैं। तो आइए हम अपने डिज़ाइन में जाके देखते हैं कि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कितनी अच्छी तरह फुलफ़िल किया हुआ है। तो जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं, हमने जो टीवी यूनिट दिया है वो हमने हल्का सा वॉल से एक्सटेंड करके दिया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही बड़ा दिख रहा है। और जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें एक सोफ़ा चाहिए था 3+2+2, तो जैसे देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। और जो सोफ़ा हेड है उसे हमने वुडन की पैनलिंग और हल्की से लाइटिंग के साथ बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो हमारा फॉल्स सीलिंग है उसको हमने बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ बहुत ही खूबसूरती से ऊपर में लगाया है। और जैसा कि क्लाइंट बोल रहे थे कि उन्हें एक एक्वेरियम चाहिए हमारे वॉल डी पे, तो जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि हमने एक्वेरियम के साथ वो स्टोरेज कितनी अच्छी तरह से लगाया हुआ है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुल किया है। तो हम सीधा जाते हैं अपने डाइनिंग रूम के एरिया पे। तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें अपने वॉल बी पे एक वैनिटी यूनिट चाहिए, और उसके बगल में उन्हें अपने फ्रिज को रखने के लिए थोड़े स्पेस चाहिए, और जो किचन का डोर है और उसके साथ जो अटैच वॉल है वो हम सोच रहे हैं ब्रेक करने का, और वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर लग जाएगा। और उसके अपोजिट वॉल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्पेस बना हुआ है, वहाँ पे हम एक क्रॉकरी यूनिट प्लेस करने का सोच रहे हैं। और उसके जस्ट बगल वाले वॉल को हम ब्रेक करेंगे और वहाँ पर एक पूजा यूनिट आएगा। तो आइए हम अपने डिज़ाइन पे देखते हैं कि हमने इसे कितनी अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसा कि आप हमारे डिज़ाइन में देख सकते हैं, हमने किस टाइप से अपने वॉल बी पे जो वैनिटी यूनिट है वो प्लेस किया हुआ है, और उसके जस्ट बगल में हमने एक फ्रिज के लिए जगह छोड़ा हुआ है, और उसके बगल में जो हमने वॉल ब्रेक किया है उसका डिज़ाइन आपको हमारे किचन वाले डिज़ाइन में दिखेगा, जो हमने ब्रेकफास्ट काउंटर डिज़ाइन किया है। उसी वॉल बी पे आगे में हमने मिरर वर्क बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। और जैसा कि हम इसके अपोजिट वाले वॉल पे आते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने एक क्रॉकरी यूनिट दिया है, जो स्पेस था उसमें ही इंप्लीमेंट कर दिया है एक अच्छा सा क्रॉकरी यूनिट, और उसके जस्ट बगल में हमने वॉल ब्रेक करके उसके अंदर एक पूजा यूनिट देने के लिए प्लेस छोड़ा हुआ है। और हमारा जो ये फॉल सीलिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे फॉल सीलिंग को हमने वुडन की हेल्प लेके कितने अच्छी तरह zigzag डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए एक फॉल सीलिंग बनाया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हम सीधा आ जाते हैं अपने किचन के एरिया पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा किचन का एरिया है। इसमें हमने जो प्लान किया हुआ है वो ये है कि ये जो स्लैब आप देख रहे हैं और उसके बगल वाला जो रूम है, हम वहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, बीच का वॉल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए आइए हम अपने डिज़ाइन पे देखते हैं कि हमने किस टाइप से इसको बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं, हमने कितनी अच्छी तरह हल्के से सिविल वर्क के साथ इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छी तरह कंप्लीट किया हुआ है। हमने जो इसमें बोला था कि जो स्लैब रहेगा वो अगले रूम तक कंटिन्यू होगा, जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरह से उसे डिज़ाइन किया है। और इसका जो कुकिंग करने का एरिया है वो हमने वॉल सी पे दिया है,
जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके साथ ही अटैच हमने जो ब्रेकफास्ट काउंटर है उसे हमने दिया हुआ है, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है हमारे इस डिज़ाइन पे। तो अब हम आ जाते हैं अपने बेडरूम वन की ओर। जैसा कि हमने बेडरूम का डिज़ाइन सोचा है, वॉल ए पे हमारा बेड होगा, वॉल डी पे हमने जो वार्डरोब देना है वो सारे वार्डरोब हमारे वॉल डी पे रहेंगे विद ऑल द कैबिनेट्स। इसके अपोजिट वाले वॉल पे जो कि हमारा वॉल बी है, उसमें हमें एक ड्रेसर देना है, ड्रेसिंग यूनिट, और उसके साथ ही उसके बगल में हमें एक वार्डरोब टाइप स्टोरेज देना है, जो कि आप देखेंगे हमारे डिज़ाइन पर। तो जैसा कि आप हमारे डिज़ाइन में देख सकते हैं, हमने वॉल ए पे बेड प्लेस किया हुआ है विथ अ कस्टम बेड हेड, जो कि आप विंडो में आप देख सकते हैं। हमने एक सिटिंग एरिया दिया हुआ है और बेड के बगल में हमने एक फोल्डेबल टेबल दिया हुआ है, जो कि हमारा बेड साइड टेबल के रूप में काम करेगा। जब आपको मन करेगा आप उसे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट वाले वॉल पर हमने एक टीवी यूनिट दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वॉल डी पे जितना भी हमारा वार्डरोब है हमने प्लेस किया हुआ है विद ऑल द कैबिनेट्स। और इसके अपोजिट वॉल पे हमने एक ड्रेसिंग यूनिट दिया हुआ है, और उसके बगल में एक हमने एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्टोरेज दिया हुआ है, और दोनों ही उस वॉल पे बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है और खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम सीधा आ जाते हैं अपने बेडरूम टू की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें जो प्लान किया है वो वॉल ए में हमने बेड रखने का सोचा है, और उसके अपोजिट वाले वॉल पे जो है हमारा पूरा का पूरा वार्डरोब आ जाएगा विद ऑल द कैबिनेट्स। और हमारा जो वॉल डी है उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि एक स्टडी टेबल होना चाहिए। तो आइए हम अपने डिज़ाइन में चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस टाइप से उसे फुलफिल किया है। जैसा कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं, हमने वॉल ए पे जो है पूरा का पूरा बेड हेड दिया है, और उसके साथ अटैच हमने एक ड्रेसिंग यूनिट भी दिया है, जो कि डिज़ाइन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा का पूरा ब्लेंड हो रहा है डिज़ाइन में। इसके अपोजिट वाले वॉल पे हमने पूरा का पूरा वार्डरोब दे दिया है, और जो हमारा वॉल डी है जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी एक स्टडी टेबल का, तो आप जैसे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए एक स्टडी टेबल बनाया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है हमारे इस डिज़ाइन पे। तो हम सीधा जाते हैं अपने रूम थ्री की ओर। तो इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एक टीवी यूनिट चाहिए, और टीवी यूनिट के साथ अटैच एक पैटर्न में उन्हें एक स्टडी टेबल भी चाहिए, और उनका जो बेड हेड उन्होंने बोला इसमें सिंपल रखने के लिए। तो आइए हम अपने डिज़ाइन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस टाइप से इस बेडरूम को डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसा कि आप हमारे डिज़ाइन पे देख सकते हैं, हमने वॉल ए पे एक बहुत ही खूबसूरत सा टीवी यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है, और टीवी यूनिट से होते हुए ही एक पैटर्न जो गया हुआ है हमारे वॉल डी पे, जो कि अटैच एक स्टडी टेबल बन गया है। और टीवी यूनिट के अपोजिट वाले वॉल पे जो कि वॉल सी है, उसमें हमने एक सिंपल सा बेड दिया हुआ है विथ अ सिंपल बेड हेड, और हमारे जो वॉल बी है उसमें हमने पूरा का पूरा एक्रेलिक फिनिश के साथ वार्डरोब का एक यूनिट दिया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है हमारे डिज़ाइन पे। आई होप सो गाइज, आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको भी इस तरीके का काम करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए वेबसाइट एड्रेस पे www.sahufoundation.com के अंदर। आप हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, हमारे YouTube के अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट इंटीरियर और कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, चाहे 2D डिजाइन हो, 3D डिजाइन हो, बाहर का डिजाइन हो, घर के अंदर का डिजाइन हो, या उसका काम करवाना हो, कंस्ट्रक्शन या फिर इंटीरियर का कारपेंटरी हो, कुछ भी होगा तो हम लोग सारे ही काम करते हैं। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो सबसे पहले घर का डिजाइन तैयार करती है। आप देखते हैं कि घर आपका बनने के बाद कैसा दिखने वाला है, पहले ही आप देख लेते हैं, जिससे आपका मटेरियल वेस्टेज, लेबर वेस्टेज और टाइम वेस्टेज सब कुछ बचता है, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे काम करवाते हैं। काम भी काफी प्रोफेशनली होता है, जैसा कि आप रेगुलरली देखते हैं। अगर आपको कोई काम भी हमारा देखना हो तो आप हमारे साइट पे आकर देख सकते हैं। सारी टीम काफी प्रोफेशनल है, काफी इफिशियंट है, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके का काम हो, इंटीरियर का या एक्सटीरियर का, काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम लोग करते हैं।
तो एक अफोर्डेबल लग्जरी आपको मिलता है हमसे जुड़कर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।